आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वर्सेस GTA 5। लेकिन गाइस GTA 5 का कंपैरिजन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से तो कहीं से नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जो कि GTA 5 में भी है। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो कैरेक्टर है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का, ये हमारे GTA 5 में भी है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन। लेकिन इंडियन बाइक ड्राइविंग में सिर्फ एक कैरेक्टर है गाइस, जबकि GTA 5 में पूरे 3 कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स हैं फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर। और इंडियन बाइक ड्राइविंग में हमारे पास दो हाउस हैं, एक यहाँ पे है ओल्ड हाउस और एक एयरपोर्ट में है न्यू हाउस। जबकि GTA 5 में हमारे पास बहुत सारे हाउसेस है गाइस, फ्रैंकलिन के दो हाउस हैं, एक न्यू एक ओल्ड, एक माइकल का हाउस है और दो हाउस तो ट्रेवर के हैं गाइस, प्लस एक ऑफिस भी। अब आगे की वीडियो में हम इंडियन बाइक ड्राइविंग को IBD बोलेंगे ताकि जल्दी हो। तो गाइस IBD में पहले हम लोग हमारे हाउस का पूरा टूर लेते हैं। सबसे पहले बाहर आप देख सकते हो हमारा स्विमिंग पूल है, फिर अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सीधा एक बेडरूम दिखेगा, एक TV दिखेगी जो चलती नहीं है, फिर एक पेंटिंग दिखेगी, सीलिंग पे देखोगे तो एक फैन दिखेगा गाइस, AC है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर भी चालू नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए एक सीढ़ी दी है, फिर इस साइड अंदर घुसेंगे तो हमारे को एक किचन मिलता है, और ये हमारा लिविंग रूम या हॉल बोल सकते हैं, जो कि नीचे होना चाहिए था लेकिन ऊपर है गाइस। और टेबल पे हमारा एक पौधा और एक कप रखा है, फिर एक बाथरूम है छोटा सा जिसमें एक बाथटब दिया है, और ये टॉयलेट सीट है। और घर के हमारे जस्ट पार्किंग में ही हमारी एक गाड़ी खड़ी रहती है, इसमें स्प्लेंडर रहती है। अब करेंगे हम लोग हमारे GTA 5 के हाउस का टूर, और वो भी फ्रैंकलिन के घर का। तो सबसे पहले इसमें भी बाहर एक स्विमिंग पूल रहता है, फिर इस घर के नीचे भी जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं तो इधर भी एक बेडरूम देखने को मिलता है। लेकिन भाई दीवारों पे आप देख सकते हो कुछ टी-शर्ट्स जर्सीज रखी हैं बेसबॉल टीम्स की, और यहाँ पे हमारा एक पूरा वार्डरोब का सेक्शन है जहाँ पे हम लोग हमारे कपड़े बदल सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे बड़ा सा पौधा है, फिर इस पे भी सीढ़ी दी है ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, और पेंटिंग्स भी इधर बहुत सारी लगी हुई है। फिर ऊपर जैसे ही आएंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे एक पूरा बुक्स का सेक्शन है गाइस, ये वही डाइनिंग या लिविंग रूम जैसा हल्का सा बोल सकते हैं, जहाँ पे आप बैठ के कुछ पढ़ते हो बुक्स, ठीक है। ये हमारे खाने खाने का सेक्शन है। आगे जो किचन है भाई, ये देख लो पहले तो आप, किचन जो IBD का किचन था और इसका जो मॉडर्न किचन है भाई, कितना ज़्यादा फर्क है इसमें। और किचन में हमारा एक लैपटॉप भी रखा है, उधर कंप्यूटर था इधर लैपटॉप है, और इसको आप चला भी सकते हो। और इधर लगी हमारी TV, वो भी फायरप्लेस के ऊपर, और ये TV गाइस चलती भी है, इस पे आप चैनल्स देख भी सकते हो और चैनल चेंज भी कर सकते हो। थोड़े आगे इधर कुछ और सोफे रखे हैं गाइस, और सोफे के साथ साथ यहाँ पे टेलीस्कोप भी है जिससे हम देख सकते हैं। और इस घर के बाहर भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, एक तो हमारी व्हाइट वाली कार और ये फ्रैंकलिन की ग्रीन वाली बाइक। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे दोनों गेम्स में मैप्स का कितना साइज का डिफरेंस है गाइस। तो सबसे पहले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हेलीकॉप्टर से हम लोग चलते हैं मैप के बीच में बिल्कुल ऊपर, और ये हमारा मैप गाइस बिल्कुल बीचों बीच से, जो कि इतना बड़ा है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन आगे का थोड़ा रेंडर भी नहीं हो रहा है। उस साइड आपको मालूम है कि वहां जुरासिक पार्क है, यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स हैं, आगे थोड़े रैम्स भी हैं। और अब देखते हैं हमारे GTA 5 के मैप को गाइस, जो कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। और ये भी शायद पूरा मैप है नहीं GTA 5 का, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग जाते हैं इस गेम में, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब IBD के NPCs आपने देखे हैं तो सिर्फ 4 या 5 NPC दिखते हैं हमें ढंग से, और उसमें भी शक्ल सबकी सेम ही रहती है गाइस। और इस गेम में आप किसी भी NPC को मारोगे ना तो वो आपको उल्टा मारेगा ही, लेकिन GTA 5 में इतने सारे NPC हैं ना कि आपको कोई NPC रिपीट होते हुए दिखेगा ही नहीं गाइस, हर NPC आपको अलग मिलेगा इधर। और अगर आप किसी NPC को मारते हो तो बाकी NPC जरूर रिएक्ट करते हैं इसमें, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ऐसा नहीं है। और उसमें कोई भी NPC पे आप हाथ उठाओगे तो वो भागेगा नहीं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग भागते हैं, सिर्फ कुछ हैं जो उल्टा आप पे हाथ उठाते हैं। अब IBD में गाइस टोटल 4 गाड़ियां घूमती है ट्रैफिक में, सिर्फ 4 गाड़ियां गाइस, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बुगाटी और ऑडी, इनके अलावा कोई भी एक गाड़ी नहीं घूमती, जबकि है इस गेम में। और कार के मामले में जो NPCs है ना वो काफी सेम है गाइस GTA 5 के, क्योंकि अगर आप इनके सामने खड़े हो गए तो ये अपनी गाड़ी रोक भी देते हैं और हॉर्न भी बजाते हैं, फिर अगर आप इन पे गोली चलाओगे तो रिएक्ट करके थोड़ा इधर उधर भी गाड़ी भगाते हैं, बस इनकी कांच के भाई आर पार आप इनको गोली नहीं मार सकते। लेकिन इनको आप गाड़ी से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जिसको भी आप निकालोगे ना वो निकलते ही वहीं पे मर जाता है। और GTA
भाई में इतनी गाड़ियां घूमती हैं कि आपको बहुत ही कम गाड़ियां रिपीट देखने को मिलेगी, लेकिन रिपीट हो जाती है अगर आप ध्यान से देखो तो। और देखो गाड़ियों में भी डिटेलिंग है गाइस, जो ट्रक जा रहा है उसमें से कचरा भी गिरते हुए जा रहा है, तो हर गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बनाई गई है। और NPCs भी, अब NPC इसमें भी सेम रिएक्ट करते हैं, अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और इनको आप इनकी गाड़ी से बाहर निकाल भी सकते हो। लेकिन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तरह ये इसमें मरते नहीं है डायरेक्ट, ये भागने लग जाते हैं या तो अपनी गाड़ी वापस मांगेंगे। इंडियन बाइक ड्राइविंग में मिलती है हमें हमारी खुद की एक ट्रेन और साथ ही में एक रेलवे स्टेशन, और इस ट्रेन को आप खुद से चला भी सकते हो। GTA 5 की जो ट्रेन है ये आपको पूरे टाइम चलते हुए दिख जाएगी और इस पे आप आसानी से चढ़ भी नहीं सकते, बस आपको एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी जिस पे आप इस पे जंप कर पाओगे। लेकिन यार इसको आप रोक नहीं सकते, इसके आप बिल्कुल ड्राइविंग सीट के पास भी आ जाओ और इसके गेट के पास भी चले जाओ तब भी आप इसके गेट के अंदर जा ही नहीं सकते गाइस, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। इसके अगर आप ड्राइवर को मार भी दोगे ना तो भी ये ट्रेन रुकती है नहीं और आप इसके अंदर नहीं जा सकते। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारे वर्ल्ड में एक जुरासिक पार्क भी है जिधर पे है एक बड़ा डायनासोर टीरेक्स और छोटे डायनासोर वेलोसिराप्टर्स भी हैं। लेकिन GTA 5 में कोई भी जुरासिक पार्क नहीं है गाइस और कोई भी डायनासोर नहीं है, अलग से जरूर आप डाल सकते हो, लेकिन हम इस पूरी वीडियो में वही बातें करेंगे जो इस गेम में डिफॉल्ट में है। नेक्स्ट हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में गाइस ज़ॉम्बी मोड भी है जहां पे हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं, लेकिन GTA 5 में आपको ज़ॉम्बीज देखने को नहीं मिलते, एक बंदा जरूर मिलता है जो कि ज़ॉम्बी जैसा दिखता है लेकिन ये एक इंसान ही रहता है और ये अपनी कॉस्ट्यूम में रहता है। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारे पास एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन ये पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भर नहीं सकते, लेकिन आप अगर इनमें गोली मारेंगे तो ये फट जरूर जाते हैं। GTA 5 में लेकिन बहुत सारे अलग अलग कलर के पेट्रोल स्टेशन हैं। अब इनमें जो गाड़ियां रखी रहती है ये पेट्रोल भरवाने के लिए रखी रहती है, लेकिन इस पे कोई भी पेट्रोल डालने वाला नहीं रहता और इस पे आप डाल सकते भी नहीं हो, लेकिन अगर आप इनमें गोली मारोगे तो ये भी फट जाते हैं। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के वर्ल्ड में बीच भी है गाइस, और बीच में हट्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्यूब्स और बहुत सारी बीच वाली चीजें, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई भी NPC आपको देखने नहीं मिलता है। लेकिन GTA 5 का जो बीच है ये बहुत ज्यादा ही भरा हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीजें रखी हैं जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग के बीच में रखी हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में NPCs भी लेटे हुए रहते हैं जो कि यहाँ पे चिल मार रहे होते हैं। इंडियन बाइक ड्राइविंग में अगर आप किसी NPC को मारोगे तो आप पे पुलिस आ जाएगी और आप मैक्सिमम इसमें 3 स्टार्स कर सकते हो, और बस फर्क ये रहता है कि 1 स्टार में छोटी गाड़ी आती है और 2 स्टार में बड़ी गाड़ी आने चालू हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले सेम रहते हैं। पर GTA 5 में आप मैक्सिमम 5 स्टार्स तक कर सकते हो और 5 स्टार के होते ही सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, FBI वाले सब आ जाते हैं। वैसे आर्मी वाले और मिलिट्री वाले तो सेम ही है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ जाती है गाइस, तो आप कहीं से भी बच के निकल नहीं सकते, इतनी खतरनाक हो जाती है पुलिस। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारे कैरेक्टर के पास एबिलिटी भी है जो कि स्लो मोशन की एबिलिटी, और ये आपको अपने येल्लो बार में दिखेगी, जैसे आप इसको एक्टिवेट कर लेते हो स्लो मोशन हो जाता है हर जगह पे और ये कम होने लग जाता है बार। और GTA 5 में भी हमारे कैरेक्टर के पास यही सेम एबिलिटी है जिसको आप कैप्स लॉक दबाते ही स्लो मोशन में एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम देर तक रहती है। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं जैसे कि पिस्तल, AKM, स्नाइपर, RPG और स्टिकी बॉम्ब, लेकिन स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन से करना पड़ेगा। और GTA 5 में तो बहुत सारे वेपन्स हैं, इतने सारे वेपन्स हैं कि वो इंडियन बाइक में आ भी नहीं सकते, तो इसके जो वेपन्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा पिस्तल, AKM, स्नाइपर, RPG और स्टिकी बॉम्ब। और GTA में आपको फोन से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस G बटन दबाना है और वो फटने लग जाते हैं। IBD के फोन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि गैलरी जहाँ पे आप अपने कपड़े बदल सकते हो, यही आपको GTA 5 में कपड़े बदलने हैं तो वार्डरोब में जाना पड़ता है घर के। फिर आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जिनको आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन कॉल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीट कोड्स लगती है वो कॉल से ही लगती है। फिर ट्रेन के कंट्रोल्स हैं, स्टिकी बॉम्ब के कंट्रोल्स हैं गाइस, बाकी चीज़ें इसमें कुछ नहीं खुलती, कैमरा, इंटरनेट वगैरह, लेकिन इसमें एक RGS टूल नाम की सेटिंग है जो कि GTA के चीट कोड जैसे काम करती है, और ये GTA के चीट कोड जैसे काम करता है गाइस, जैसे कि आपने अगर इसमें कार बाय लिखा तो जो शोरूम है वहाँ पे कार्स खड़ी हो जाती हैं। और GTA 5 में जो फ़ोन है इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उनमें से एक है गाइस ईमेल, जहाँ पे रियल के ईमेल्स पड़े रहते हैं।
फिर टेक्स्ट है जहाँ पे आपके जो दोस्त हैं GTA 5 की स्टोरी में, इन लोगों ने आपको मैसेज किया जो रहता है वो पड़े रहते हैं। और कॉन्टैक्ट्स में इसमें जो कॉन्टैक्ट्स है ये भी सारे स्टोरी के कैरेक्टर्स है और इनको आप कॉल भी लगा सकते हो, ये उठाते भी हैं और आपके साथ घूमने भी आते हैं। एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने फोन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, प्रोफाइल हो गई, रिंगटोन हो गया। और इसमें इंटरनेट ऑप्शन भी है जो कि भाई सही में चलता भी है, अब ऐसे गूगल जैसे तो नहीं चलेगा लेकिन इसके अंदर जो भी साइट्स है ना वो अच्छे से खुल जाती है। और फाइनली जो कैमरा वाला ऑप्शन है उसमें से आप सच में फोटोज भी खींच सकते हो। IBD में जैसे RGS टूल है, इसमें भी एक चीट कोड का बॉक्स आता है, उसके लिए आपको टिल्ट दबाना पड़ता है, उसके बाद GTA 5 की जो भी चीट कोड से आप यहाँ पे डालोगे तो वो हो जाती है एक्टिवेट। और ये है इंडियन बाइक ड्राइविंग का कार शोरूम जिसके अंदर सारी सुपर कार्स खड़ी है, मस्टैंग से लेके फरारी तक। और ये है GTA 5 का कार शोरूम जिसके अंदर भी कार्स खड़ी हुई है, इसमें आप खुद का शोरूम भी बना सकते हो लेकिन उस सब के लिए आपको अलग से डालना पड़ेगा। नेक्स्ट लोकेशन है इंडियन बाइक ड्राइविंग का एयरपोर्ट जहाँ पे हमारे दो बिग एयरप्लेन्स खड़े हैं, एक छोटा एयरप्लेन खड़ा है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग है और इधर एक अलग पार्किंग वाली बिल्डिंग है और पूरा रनवे भी है। लेकिन GTA 5 का जो एयरपोर्ट है गाइस ये अति बड़ा है भाई, बिल्कुल रियल एयरपोर्ट की तरह ही दिखता है। और इसके बेसमेंट में आप जाओगे तो पूरा एयरपोर्ट जैसे दुकानें भी होंगी। और रनवे का जो एरिया है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर खड़ा है, प्लेन खड़ा है, प्लेन में बिठाने के लिए पूरे इंतजाम भी हो रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग इसमें नहीं बैठते। और इस गेम के सारे प्लेन्स आप चला सकते हो लेकिन कुछ प्लेन जो यहाँ पे डिफॉल्ट में खड़े हैं वो आप नहीं चला सकते। और यहाँ पे आप देखोगे तो रन अवे में हर टाइम आपको कोई ना कोई प्लेन भाई जाते हुए दिखेगा। अब ये पैसेंजर्स को ले जा रहा है कि नहीं ये मुझे पक्के में नहीं मालूम, लेकिन हर टाइम इधर से प्लेन जाते रहते हैं। बिल्डिंग के तो बात कर ही नहीं सकते हम लोग क्योंकि एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है ये पूरी बनी हुई है गाइस, बस इसके अंदर का इंटीरियर नहीं है लेकिन बाहर से ये वैसे ही दिखती है। इंडियन बाइक ड्राइविंग का जो चीट कोड सिस्टम है गाइस ये GTA 5 से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ही ईजिली कुछ नंबर से ही आप चीट कोड्स लगा सकते हो गाइस, और इसकी चीट कोड्स भी बहुत ज़्यादा है GTA 5 के मुताबिक। इंडियन बाइक ड्राइविंग में हमारा जो पेट है वो हमारा डॉग है गाइस, लेकिन साथ में आप हॉर्स भी बुला सकते हो और वेलोसिराप्टर यानी कि छोटे डायनासोर को भी बुला सकते हो। लेकिन GTA 5 में हमारा पेट रहता है चॉप जो कि एक कुत्ता रहता तो है लेकिन इसके अलावा इस गेम में भाई हॉर्स है ही नहीं, मतलब आप सोच रहे हो गाइस तबेले तक बने हैं लेकिन यार घोड़े नहीं है गेम में। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में गाइस आपको मेगा रैम भी देखने को मिलता है और साथ ही में पूरे सिटी में बहुत सारी जगह पे अलग अलग रैम्स भी दिए हैं और स्टंट लोकेशंस भी हैं। और GTA 5 में भी बहुत सारे स्टंट वाले रैम्स हैं गाइस, लेकिन जो मेगा रैम्प है ये सबसे पॉपुलर है GTA 5 का, पर वो भाई डिफॉल्ट नहीं है गेम में, वो अलग से डालना पड़ता है या फिर आपको ऑनलाइन में जाकर खेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D हमारा GTA 5 से भी ऊपर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो भाई GTA 5 का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो गाइस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है, GTA 5 या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। गाइस वोटिंग हम लोग चालू करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D और GTA 5 की वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।